नमस्कार किसान भाइयों, ए टू जेड फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम अरबी की खेती के बारे में जानकारी देंगे। अरबी यह एक सदाबहार जड़ी बूटी वाला पौधा है जो उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाया जाता है। इस किस्म के विकास के लिए गर्मी के मौसम की आवश्यकता होती है। इसकी पैदावार का मुख्य कारण खाने योग्य मीठे और स्टार्ची फल है। अरबी को तारो भी बोला जाता है और तारों की जड़ों को इड़ोदाशिन और कालों के नाम से भी जाना जाता है। इसका पौधा 1 से 2 मीटर का होता है। इसके पत्तों का रंग हल्का हरा और लंबे और दिल के आकार का होता है। यह सेहत के लिए लाभदायक होती है क्योंकि इससे कैंसर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, शुगर, पाचन क्रिया, त्वचा और तेज़ नज़र करने के लिए दवाइयाँ तैयार की जाती है। अब बात करते हैं इसकी खेती करने के लिए कैसी मिट्टी चाहिए। अरबी की खेती कई प्रकार की मिट्टी जैसे कि रेतली से दोमट मिट्टी में की जाती है, पर यह रेतली दोमट या जैविक तत्वों की भरपूर मात्रा वाली मिट्टी में उगाने पर बढ़िया परिणाम देती है। घटिया निकस वाली मिट्टी में इसकी खेती ना करें। कम उपजाऊ और नमी वाली मिट्टी इसकी पैदावार को कम कर देती है। अब बात करते हैं इसकी खेती के लिए ज़मीन कैसे तैयार करें। अरबी की खेती के लिए ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार करें। खेत को भुरभुरा करने के लिए बिजाई से पहले खेत को नदीन मुक्त रखें। इसके बिजाई का तरीका गांठों की हाथों से बिजाई की जाती है। बीजों को मिट्टी में गहराई से बोया जाता है। गांठों की बिजाई गड्ढे खोद कर की जाती है। इसके अलावा इसकी बिजाई आलों की तरह मशीन से भी की जा सकती है। अब बात करते हैं इसकी बीज की मात्रा के बारे में। प्रति एकड़ खेत में 300 से 400 किलो गांठों का प्रयोग करें। अब बात करते हैं बीज उपचार के बारे में। बीज के उपचार के लिए बवस्टीन के 2% घोल में 30 मिनट के लिए गांठों को भिगोए। यह गांठों को मिट्टी में पैदा होने वाली बीमारियों से बचाता है। अब बात करते हैं खाद के बारे में। बिजाई के समय पोटेशियम और फास्फोरस की पूरी मात्रा डालें। पहली बिजाई के समय नाइट्रोजन की मात्रा 2 हिस्सों में डालें और बाकी की बची हुई मात्रा गुड़ाई, निराई और मिट्टी चढ़ाने के समय डालें। अब बात करते हैं अरबी के पौधे के देखभाल के बारे में। अब इसमें लगता है पत्ता झुलस रोग। इस रोग को कंट्रोल करने के लिए डिटेनियम 45 400 से 500 ग्राम शंबर से 150 लीटर पानी में मिलाकर 7 से 14 दिनों के फसलों पर प्रति एकड़ स्प्रे करें। अब बात करते हैं गांठों का गलना। इसकी रोकथाम के लिए जिनेब 75 WP का छिड़काव करें। अब बात करते हैं इसके पौधे के ऊपर कीटों के हमले के बारे में। तो कीटों के रोकथाम के लिए मेलाथियन 15% EC का प्रयोग करें। कैसी लगी किसान भाइयों आपको वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे ए टू जेड फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी फार्मिंग की वीडियो इस चैनल पर आती रहेगी। नमस्कार।